श्रोताओं नमस्कार। आज दीपावली के मौके पर सहकार रेडियो की तरफ से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं, मैं पवन। मित्रों, हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, जहां विशाल मेहनत कश आबादी अपनी पूरी ताकत बटोर कर या कर्ज लेकर ही सही थोड़ा खुश हो लेती है। घरों में अच्छे पकवान बनते हैं, बच्चे और बड़े नए कपड़े पहनते हैं, खेल कूद और मनोरंजन के तमाम साधनों का आनंद लेते हैं, नाचते गाते हैं और इसी बहाने थके बुझे निराश चेहरों पर एक दिन के लिए ही सही मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं। शोषण मूलक इस समाज द्वारा दिए गए जख्मों को, अपने गमों को लोग कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। वहीं धनाढ्य तबके के थोड़े से लोगों को अपनी अमीरी की नुमाइश करने का भी मौका मिल जाता है और इस सबके बीच बाजार की बल्ले बल्ले हो जाती है। अमीर और अमीर हो जाते हैं तथा गरीब और गरीब हो जाते हैं। सहकार रेडियो परिवार भी आपकी इस क्षणिक खुशी में शामिल होते हुए आप सभी से ये अनुरोध भी करता है कि दीपावली में जलाए जा रहे दीपकों के नीचे फैले स्याह अंधेरों को भी अनदेखा न करें। महज कुछ जरूरतमंदों पर दया करके अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा न लें, बल्कि समाज में व्याप्त अंधेरों को हमेशा के लिए रोशनी में बदलने की मुहिम का हिस्सा बनें। तो आज विचारों की यात्रा में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी कविताएं जो तमाम चकाचौंध और शोर से खींच कर आपको जमीनी सच्चाई के नजदीक ले जाएगी। इन कविताओं को हमने वेबसाइट kavitakosh.org से संभाल लिया है और सहकार रेडियो के आप सभी श्रोताओं के लिए इन्हें आवाज दी है आकाशवाणी इलाहाबाद से जुड़ी साथी निहारिका पांडे ने। नमस्कार दोस्तों, आज जो कविता हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये है कुमार रविंद्र जी की। शीर्षक है शहर अंधेरे में। बहुत रोशनी राजमहल के परकोटे में, सारा शहर अंधेरे में डूबा है। ऊंची ऊंची कंगरों पर धूप पड़ी है, नीचे परछाई में सिमटी प्रजा खड़ी है। लंबी चौड़ी दीवारें हैं राजभवन की, किरणों का पल इनके घेरे में डूबा है। उजली मीनारों में बंदी नई रश्मियां, नीचे वही पुरानी धुंधली कहा भस्मियां। मैली हैं सांसे बस्ती की, कोलाहल की वातावरण धुएं के डेरे में डूबा है। स्वप्न लोक में ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, नीचे अंधकार के सागर बहुत बहे हैं। बड़े चतुर है राजपंथों के सारे प्रहरी, सूरज तहखानों के फेरे में डूबा है। सूरज तहखानों के फेरे में डूबा है। अगली कविता है जिसका शीर्षक है अंधेरे चंद लोगों का अगर मकसद नहीं होते। कवि हैं द्विजेंद्र द्विज जी। आइए सुनते हैं उनकी ये कविता। अंधेरे चंद लोगों का अगर मकसद नहीं होते, यहाँ के लोग अपने आप में सरहद नहीं होते। न भूलो तुमने ये ऊंचाइयां भी हमसे छीनी हैं, हमारा कद नहीं लेते तो आदम कद नहीं होते। फरेबों की कहानी है तुम्हारे मापदंडों में, वरना हर जगह बौने कभी अंगत नहीं होते। तुम्हारी यह इमारत रोक पाएगी हमें कब तक, वहां भी तो बसेरे हैं जहां गुंबद नहीं होते। चले हैं घर से तो फिर धूप से भी जूझना होगा, सफर में हर जगह सुंदर घने बरगद नहीं होते। और श्रोताओं अब आइए सुनते हैं निहारिका पांडे की कविता साथी शिल्पी की आवाज में। एक और पटाखों का शोर है, 500 से 500 के पटाखे धी धी करके जल रहे हैं। रात के अंधेरे आसमां को अपनी रंगीन रोशनी से भर रहे हैं। दूजी ओर सड़कों के भूखे नंगे आज की रात अपने लिए छत तलाश रहे हैं। दिए की रोशनी से रोशन घरों की परछती के नीचे अपने लिए
एक रात का बसेरा बना रहे हैं। रोशनी का ये त्योहार आज इन सब पर भारी है। आसमान को सजाते ये पटाखे मौत बनकर इन बेघरों पर बरसते हैं। आज की रात लक्ष्मी चाहे जिस घर बसेरा बसाए, पर ये नंगे आज की रात छत के लिए सबसे ज्यादा तरसते हैं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर विचारों की इस यात्रा में आप सुन रहे थे कुछ कविताएं जो आपको पटाखों के शोर के पीछे छिपा दी जाने वाली सिसकियों कराहों के नजदीक ले गई होंगी। तो अंत में आपसे कवि गोपाल दास नीरज के शब्दों में हम यही कहना चाहेंगे कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, मुझे यानी पवन को नमस्कार।